वेलकम दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने ये कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। दोस्तों देख सकते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में वैकेंसीज हैं। हालांकि इसमें कुछ बाउंडेशन भी है कि कुछ चुनिंदा लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आइए बात करते हैं। पद कोड अगर हम देखें दोस्तों, ये टू टैप की है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सारी जानकारियां नहीं है, बस कुछ ही थोड़ी थोड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूँ। अदरवाइज मैं तीनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया गया उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं किस प्रकार का उसका पैटर्न है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न उसमें दिया गया है। देखिए दोस्तों, तकनीशियन ग्रेड टू और तकनीशियन ग्रेड टू, ये दोनों दोस्तों अलग अलग है। इसको जब आप ऑफिशियल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें वैकेंसी आपकी है 664, इसमें 2115 है। ठीक है ना, ये ज्यादा मात्रा है। बस इसमें दोस्तों क्या है कि सबसे पहली बात, आधार कार्ड आपका जो है तीनों में अनिवार्य किया गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहली बात ये है। इसमें देखिए दोस्तों, 10th आपसे मांग गया है हाई स्कूल विज्ञान और गणित, साइंस और मैथ आपको हाई स्कूल में होना चाहिए। उसके अलावा अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र, दोस्तों इसका भी आप ऑफिशियल में देखेंगे, तीन टाइप का उन लोगों ने वहां पर दिया गया है। ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। इसकी दोस्तों अगर एज देखें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में इन लोग ये लोग हैं जो फॉर्म डाल सकते हैं, और एससी एसटी वालों को थोड़ा छूट मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं वहां से। वेतन की दोस्तों बात करें, अगर हाई स्कूल से आप दोस्तों कंपेयर करेंगे तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की अगर आप सैलरी देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आप देखिए, हाई स्कूल मांग गया और ये भी कुछ डिप्लोमा आ गया, उसके बावजूद आप वेतन यहाँ देखेंगे अगर, तो पीओ लेवल का भी इतना नहीं होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 86,000 पे जाके आपका खत्म होगा। उसके बाद अन्य भत्ते वो अलग से हैं, सैलरी की तो बात ही ना कीजिए दोस्तों इसमें। ठीक है, जनरल ओबीसी की फीस दोस्तों 900 रुपये है और एससी एसटी 600 रुपये है। ठीक है, सेकेंड आपका दोस्तों सहायक लेखाकार, असिस्टेंट अकाउंटेंट। ठीक है, यहां अगर हम देखें तो टोटल पोस्ट दोस्तों थोड़ी कम है, 21 है। इसके लिए आपको वाणिज्य में स्नातक कॉमर्स, ठीक है, जैसे आपका बीकॉम हो गया, तो आप इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये अगर देखें दोस्तों, 21 से 40 एससी एसटी के लिए छूट होगी। वेतन दोस्तों इसका भी आप देखें तो देखिए, वाह क्या वेतन है इसका, 29,800 से लेके 94,300, और अन्य भत्ते वो अलग से हैं दोस्तों। 1 लाख के आसपास आपके जाके ये सैलरी पड़ेगी, जाके जब आप थोड़े ज्यादा समय तक आपको काम करेंगे। परीक्षा दोस्तों इसकी हम कुछ बात कर लें, 50 अंक की परीक्षा दोस्तों ये कंप्यूटर पे आधारित होगी, ओ लेवल की आधारित। 50 अंक का पहले आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसमें आपको 25 अंक प्राप्त करने हैं तब आप सेकंड पेपर में बैठ पाओगे। ठीक है, ये इसका पैटर्न है एग्जाम का, और आप इसको ऑफिशियल देखिए क्या क्या उसमें सिलेबस में आएगा। ठीक है, जनरल ओबीसी की दोस्तों हम बात करें, फीस देखिए आप 900 रुपये इसमें, और ये फीस दोनों सेम है दोस्तों। एससी एसटी के लिए आप देखिए 600 रुपये है। ठीक है, आप बात करें लेखा अधिकारी की, अकाउंटेंट ऑफिसर, टोटल पोस्ट दोस्तों आपने देखा 42 है। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों सीए आपको पास होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं यहां पर, आप ऑफिसर में जाकर देखेंगे, अगर वहां से आपने किया तो ही इस फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। ठीक है, एज की बात करें 21 से 40 है। वेतन दोस्तों देखिए 56,000 से लेके आपका 1,77,500। ठीक है, वेतन आप देखें दोस्तों काफी अच्छा वेतन है। ठीक है, जनरल ओबीसी के देखें दोस्तों तो इसमें फीस में थोड़ा इंक्रीजमेंट किया गया है, यहाँ पे 100 रुपये और यहाँ पर भी 100 रुपये, 1,700 यहाँ पर दिया गया। जनरल ओबीसी का 1,000 है, एससी एसटी का 700 है। तो दोस्तों ये कुछ वैकेंसीज थी, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस कराया। आप देखिए, जो भी आप इसके एलिजिबल हो आप इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। इसका एग्जाम होगा दोस्तों, एग्जाम अप्रैल में आपका होगा। लास्ट डेट इसकी आप, मैं आपको बता दूं, 13 मार्च 2018 दोस्तों, ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक है ना, 13 मार्च 2018 इस डेट तक आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी। ऑल द बेस्ट।